हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे ऐप के बारे में जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जिसका नाम है डिजी लॉकर। दोस्तों, आप कहीं पर भी टू व्हील या फोर व्हील लेके जाते हो तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल और RC डॉक्यूमेंट सब ओरिजिनल रखना पड़ता है, और ओरिजिनल आपके पास नहीं होता है तो आपको चालान भरना पड़ता है। तो इस ऐप में जानेंगे, इस ऐप में आप अपना डॉक्यूमेंट ऐड करके रखोगे तो आपको वेरिफिकेशन में भी आपको काम आएगा, और वो मोबाइल में आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाएंगे पुलिस को तो भी आपका मान्य होगा, तो आपको चालान नहीं भरना पड़ेगा। और इस ऐप में जानेंगे कि कैसे अपना ये ऐप चलती है और कैसे आपको इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और किस तरह से उसका यूज करना है। तो इस वीडियो में जानेंगे पूरा प्रोसेस, तो वीडियो को आखिरी तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है डिजी लॉकर। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है। मैंने डाउनलोड करके रखा है इसलिए यहाँ पर ओपन लिखा हुआ आता है, तो आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये गवर्नमेंट इंडिया का एप्लीकेशन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपको डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन पर क्लिक करना है, तो हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पर आपको साइन इन करना है, अकाउंट बनाया लिया है तो आपको साइन इन करना है, और आप न्यू हो तो साइन अप पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम साइन अप पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। नंबर टाइप करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आपके मोबाइल में आ जाएगा, उसको यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो OTP आ चुका है, हम टाइप कर देते हैं। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID टाइप करना है। तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID या तो मोबाइल नंबर टाइप करना है, तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड में आपको पहला कैपिटल रखना है, उसके बाद जो भी आप रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको दूसरा पासवर्ड टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेट पिन, मोबाइल पिन, यहाँ पर आपको पिन सेट करना है, जो कि आपको कभी भी आप अपने डिजी लॉकर में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैसेज आ चुका है डिजी लॉकर का सक्सेसफुली, तो यहाँ पर हम पिन सेट कर लेते हैं। यहाँ पर सेट पिन यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 अक्षर टाइप कर देना है, इससे आपका पिन कभी भी आप ऐप खोले तो वो पिन टाइप करना होगा, तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। एक बार फिर से री एंटर करना है। उसके बाद बैक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर
ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको लिंक आधार नंबर, यहाँ पर पहला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको टिक मार्क पर क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर वाले मोबाइल पर आपको मैसेज आएगा OTP, तो OTP आ चुका है, यहाँ पर आपको OTP टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आ चुका है, 1 issue document। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आधार कार्ड हमारा ऐड हो चुका है। इस तरह से आप अपना आधार कार्ड देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा आधार कार्ड पूरी तरह से आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 line पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप दो तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट आधार अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट से भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्कैन QR कोड, वहाँ से भी आप अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके, आप QR कोड स्कैन करके आप अपना अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको इश्यू डॉक्यूमेंट पर जाना है। यहाँ पर आप सर्च बार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड से लिंक है वो सर्च कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो योर डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर टाइप करना है, तो हम टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक मार्क पर टिक करना है और गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा 3rd issue document हो चुका है। तो यहाँ पर हमको देख सकते हैं, यहाँ पर हम तीसरा, यहाँ पर इश्यू डॉक्यूमेंट पर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस भी आ चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना अपने मोबाइल में अपना लाइसेंस और सब डॉक्यूमेंट ऐड करके रख सकते हो और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।